अजवती प्रणाम माता जी। प्रणाम तो तेरा ठीक है, लेकिन आज मैं तेरे पास कुछ मांगने के लिए आई हूँ। लेकिन सासू माँ, हाँ? मैं तुच्छ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? अगर आपको कोई काम था तो आपने मुझे ही अपने महल में बुला लिया होता। नहीं बेटी, आज काम मुझे था इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। आज तेरे पिताजी के महल में दो साधु और एक भूखा शेर आया है, और उन संतों ने हमारे एक लौते धीर ध्वज का मांस उस शेर के लिए मांगा है। ये क्या कह रही हो सासुमा? भला एक साधु संत किसी का मांस कैसे मांग सकते हैं सासुमा? इसलिए मैं आज तेरे पास आई हूँ और ये कहने के लिए आई हूँ कि तू अपना बेटा, मेरा बेटा धीर ध्वज मेरी झोली में डाल दे। नहीं सासुमा, कोई भी सुहागन इस दुनिया में, कोई भी सुहागन अपने मंगलसूत्र को किसी को उतार कर नहीं दे सकती। फिर आपने कैसे सोच लिया सासुमा कि ये आपकी बहू लाजवती अपने पति को दान में कैसे दे सकती है? लेकिन बेटी, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे ससुर वचनहार हो जाएंगे, उनकी सारी नगरी में बेइज्जती हो जाएगी। मुझ पर रहम खाइए सासुमा, मैं झोली फैलाकर अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांग रही हूँ। आप उन साधु संतों को दान में कुछ और दे दीजिए, धन दौलत दे दीजिए, ये माया दे दीजिए, लेकिन मैं अपने पति को दान में उन साधु संतों को नहीं दे सकती सासू माँ। मेरी बात सुन ले, मेरी सुनिए सासू माँ। हामती जुलम ही करे मेरी सास नासी खुदी, तू कर का करी ना चाहा। चाहते कोन्या ना दौलत जहागीर मांगे, शेर ने जिमावन खाते बेटे का शरीर मांगे। बकरा लिया के डाल दियो, इतने ते भी ना माने ते धक्का दिल काट दियो। इतने ते भी ना माने तो धक्का दिल काट दियो। हो ये ते ढोंगी फिरे रीपकी साधुओं को अगर मांस ही चाहिए तो किसी बकरे का मांस लाके डाल दो, मैं अपने पति का मांस उन साधुओं को नहीं दे सकती सासू माँ। लेकिन अगर उन साधुओं को ऐसे ही भेज दिया गया
तो उनका अपमान माना जाएगा। लेकिन सासू माँ, तुम कैसी माँ हो, एक अपने बेटे को मरवाने से पहले, दान में देने से पहले तुम्हारा कालजा नहीं फटा। अरे तुम कैसी माँ हो सासू माँ, अपनी बहू को अपने जीते जी विधवा बिठानी चाहते हो, तुम कैसी माँ हो सासू माँ। बेटी लाजवती, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मेरी झोली में डाल दे। नहीं डाल सकती सासू, सुनिए मेरी बातें। शून्य की खाया करते सत्यवादी दानवी, धर्म ना टिकाया करते, घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते, घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते। बेटे मरवावे माता घर की बन जाएगी मेहंदी छूटी, दिल में दर के ख्याल देख, किसके ऊपर अच्छा, किसके ऊपर, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती उम्र हाथ टेक, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती उम्र हाथ टेक। हाँ घर में बैठी बहू री जवा शादी को दिन ही कितने हुए हैं,
कुछ घंटे की हुए गए सासू माँ, मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी और आप उससे मेरे पति के प्राणों को मांगने आई है सासू माँ। लेकिन लाजवती मैं ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि तू भी मेरी बेटी है और वो भी मेरा पुत्र है। मैं तुझसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तू मेरे एक बेटे को मेरी झोली में डाल दे, तेरे ससुर का वचन पूरा हो जाएगा, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ। लेकिन ससुर जी को वचन देने से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि वो वचन में साधु संतों को क्या दे रहे हैं। अरे अगर देना था तो धनमाल देते, ये दौलत देते, इस महल में से थोड़ा सा खजाना उन साधु संतों को दे देते, लेकिन अपने इकलौते बेटे को, अपने इकलौते बेटे धीरध्वज को दान में देते हुए मेरे ससुर जी को शर्म नहीं आई। लेकिन उन्होंने दान में सिर्फ मेरे बेटे को मांगा है, उन्हें धन दौलत माया कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती सासू माँ। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। कुछ ना देखी माजी ने बिगाड़ दिए, धरती का खिलाया तख्ता तने बदल फाड़ दिए, धरती का खिलाया तख्ता तने दिए। देख जगर मार देती मेरे ते क्यों, मेरे ते क्यों बैरी करा, सूरी का सुरहिया पूरण ना दुश्मन सोनू टेक कैसेट।